दादी, जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, लेकिन हमारा फोन तो उठाइए। आवाज, आपको आपको फोन का आवाज सुनाई दे रहा है क्या? बेटा क्या है कि इतने ही फोन की घंटियां बजती रहती है ना, तो उससे ऐसा लगता है कि कानों में भी फोन की घंटियां बज रही हैं। कोई फोन नहीं बजा है। नहीं, वो एक्चुअली हम कब से दादी को ढूंढ रहे हैं, ना उनका फोन मिल रहा है, ना वो खुद मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। वो तो कह रही थी कि सूरज को पानी चढ़ाने के लिए जा रही मंदिर गई। हम जरा और जगह देख कर, किचन में देख लो वहां। जी ठीक है। दादी, चाचा जी, दादी अगर आपको कहीं दिखे ना तो उनको बताइएगा हम उनको कब से ढूंढ रहे हैं। उनको हाँ। बोलिएगा कि वो हमसे मिले। हाँ बेटा, हाँ, हम जरूर बोल देंगे। अच्छा ठीक है, हम ढूंढ कर आते। हाँ। किचन में देखो यार। एक सेकंड चाचा जी, ये क्या क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा मतलब ये कालीन मोड़ कर। रितुविक ने जूस बहुत पी लिया और फिर उल्टियां कर दी, सारा कालीन खराब कर दिया। अब देखो, जब तक धुलेगा नहीं, अच्छे से बिछाएंगे कैसे यहाँ पर है, इसलिए इसको लेके जा रहे हैं धुलाने के लिए है। फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम करते हैं ना आपकी मदद। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। नहीं बेटा, वो क्या है कि धोबी को बुलाया है ना, वो आके बस हमारे साथ ले जाएगा, वो फिर धुला के वापस कर देगा। पक्का? हाँ पक्का बेटा। उनको बता दीजिएगा दादी को हम ढूंढ रहे थे। अच्छी, थैंक यू। अपना हाथ आगे कीजिए। तो इसे दमशर्स क्यों खेल रही हो? बताओ, मैं हाथ आगे करता हूँ। लो, हमारा फेवरेट गेम है बचपन से। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू। एक सेकंड, वो आपको याद था? हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू। ये क्या, सिर्फ एक ही चॉकलेट? कंजूसियत की भी हद होती है। मैं कंजूस? अरे बाद में ला दूंगा ना। और कोई बात नहीं, हमको ये भी चलेगा। खोलो खोलो, आराम से तोड़। वो खाए हमको है। अब आपने हमसे दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। आपने हमको ये दिया, हम आपको इससे भी बड़ा गिफ्ट देंगे। कहाँ है गिफ्ट? वो आग बबूला अग्नि है ना? नहीं, आग बबूला नहीं, सिर्फ अग्नि सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। हम उसको पटाने में आपकी मदद करेंगे। सच्ची? हमारा मतलब है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं ना, सच्चा प्यार, इसीलिए बस। That's the truth, यार। Seriously, मैं मुझे सच्ची वाला प्यार हो गया उससे। वो एक नंबर की बदमाश है, समझती नहीं मेरी बातों को। कोई बात नहीं, तुम हो ना मेरे साथ, तुम उसे पटाने में हेल्प करोगी मुझे, है ना? तो चलो ऐसी बात, मुझे चॉकलेट खिलाओ। क्या? ना, आपकी खुशी की बात थी, मीठा हमने खा लिया, हम खाएं आप खाएं की बात है। आप देखो, चॉकलेट की बात आती है तो साक्षी किसी की सगी नहीं। एक बार चॉकलेट हमारे हाथ में आ गई, उसके बाद तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। My God. ना शेयरिंग में मानते हैं ना केयरिंग में मानते। आ जाओ उस वो अग्नि, उससे पूरी की पूरी चॉकलेट लेकर आओ। उससे क्या चॉकलेट खाओ? अरे वो तो खुद मेरी चॉकलेट। और वैसे
तुम्हें हंसी आ रही है? आजो, नहीं नहीं आजो, आजो आजो। कितनी प्यारी फ्रेंडशिप थी हमारी, पर देखो ना, साक्षी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन आप दोस्त हैं हमारे, आप समझिए, आप हमारे दोस्त हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है आपको इस झमेले से निकालने की। ये सब कुछ ना डॉक्टर बिटिया की वजह से ही हो रहा है, सब कुछ। हाय, उसको हलवा बहुत पसंद है, खूब सारा किशमिश डालना। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। और सीक्रेट बात, लड़कियों को ना खाना बनाने वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। साक्षी देखो, जिस समझदारी के साथ और जिस सेंसिटिविटी के साथ तुमने आज बड़ी माँ और रेवती दादी के बीच में सब कुछ ठीक करवा दिया, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी नफरत की दीवार जो खड़ी कर दी तुमने, कि थैंक्स तो क्या, मन ही नहीं करता तुमसे बात करूँ। जानता हूँ, समझता भी हूँ, दिल से बुरी नहीं हो तुम, लेकिन देखो ना क्या किया तुमने, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। रिश्ते, जज्बात, दोस्ती, भरोसा, सब कुछ उलझा के रख दिया तुमने, रिश्तों को, जिंदगियों को। दुख भी है मुझे, लेकिन गुस्सा कुछ ज्यादा है। किशन, जितना मुश्किल आपके लिए थैंक यू बोलना है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हमारे लिए सॉरी बोलना है। हमारे दिल में अग्नि के खिलाफ जो नफरत है, उसके आगे कोई भी चीज मायने नहीं रखती। हमको पता है हम सही हैं, और बस इतनी सी वजहें नहीं है जो आपको नजर आती है, बहुत सारी वजहें हैं जो आपको नजर नहीं आए क्योंकि हमने उसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया। बहुत सारी बातें हमारे सीने में दफन है, हमारे भी और उसके भी। आप जानते हैं वो कौन है, कहां से आई है, क्या चाहती है, वो जानते हैं आप? नहीं ना, फिर छोड़ो ये सब बातें, हमको तो ये भी समझ नहीं आ रहा हम ये सब बातें आपसे क्यों कर रहे हैं, जबकि हमको पता है कि आप हम पर धैले का भरोसा नहीं करते, पता है हमको। और दिल से निकला बोलते हैं, क्या कहा तुमने? कॉकरोच? भगाओ उसको, भगाओ। मैं तो तुम्हें ये बोलने वाला था कि तुम उसे भगाओ, प्लीज प्लीज भगाओ ना, प्लीज साक्षी प्लीज। तुम लड़कियों लड़कियों के कॉकरोच से डर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, कॉकरोच को भगा। तुम लड़कियों के पास लाइसेंस मिला हुआ है कॉकरोच से डरने का, हम लड़कों के पास नहीं है क्या? हम लड़के भी डरते हैं। बॉडी क्यों बना के रखी हुई है? बॉडी बना के रखी है, यूज करो कॉकरोच को भगाने के लिए। क्या बॉडी, क्या कॉकरोच के लिए बनाई मेरी बॉडी? हाँ। छाती से मारूं कॉकरोच को? हाँ। चुप प्लीज, मुंह से मारो ना, कुछ करो। तुम कुछ भी करो ना, सैंडल फेंको, दुपट्टा फेंको, घुस के उसको भगाओ प्लीज। ये पागल हो गया, ये शू 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 क्या कर रहे हो? कुत्ता नहीं है वो, कॉकरोच है। सॉरी, अच्छे काम, सारे बहादुरी वाले काम करने का ठेका हमने लिया है क्या? तुम भी कुछ करो। देखो साक्षी, आज सुबह तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है ना, है ना? पापा नहीं कर पाए, माँ नहीं कर पाई, दादी नहीं कर पाई, मैं भी नहीं कर पाया, तुमने किया। प्लीज, प्लीज,
वापस करो। वो इधर, वो हमारे देख रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। अरे वो इधर ही है, कॉकरोच, कॉकरोच। प्लीज अग्नि, नहीं 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 नहीं, फेंक दो, थ्रो इट अवे। कॉकरोच से कौन डरता है? हम नहीं, हम नहीं डरते। ये किशन, आप? मैं हिल नहीं पा रहा हूं अग्नि, मैं हिल नहीं पा रहा हूं, फेंको ना। काट लेगा, काट लेगा। दोनों मुश्किलें चली गई हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या डरा है तुमने अग्नि उसे, क्या डरा है? हाँ, और आप क्यों हंस रहे ऐसे? टी, 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 आउट। और आप नहीं डरे थे? डरा था ना मैं, अभी नहीं। तुम हो ना? कॉकरोच शायद वहां पे है, वो मर गया ना। हाँ दया, ये रहा। नहीं नहीं नहीं, बाहर फेंक। हेलो, 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 हेलो। अब बुलाओ अग्नि को, बुलाओ किशन को, खोलो हमारे राज। क्यों बुढ़िया, कितना शांति से पड़ी हुई हो हैं? बहुत शौक था ना तुमको राज खोलने का हमारे, ना खोलो राज, अब खोलो। पहले इस संदूक को तो खोलो। अब इससे पहले कि ये बुढ़िया हिले, हमको इस संदूक को इस घर से बहुत दूर ले जाकर ठिकाने लगाना पड़ेगा। करता है तुम्हारा इंतजाम। हाँ, ये कब काम आएगा? हेलो, सुनो बे, आगे से बोलना बिल्कुल मत, जो हम कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो। बस एक पार्सल भिजवा रहे तुमको, उसको ठीक से संभाल कर ठिकाने लगाना है। कब कहाँ ठिकाने लगाना है वो तुमको ख्याल रखना है, ठीक है? हाँ शाबाश, बहुत समझदार हो गए तुम। हाँ बहुत बोल रही थी ना बुढ़िया, अब बोल, अब बोल के दिखा, बोल ना। किसी ने देखा क्या चाची जी को? पता चला कुछ कहाँ है वो? अम्मा जी आप कहें तो हम खाना लगवाने की तैयारी करें। खाना रहने दे अभी, रेवती बहन पता नहीं कहाँ चली गई, बहुत चिंता हो रही है। अटोनी एक काम कर, जाकर भैरव बाबा के मंदिर में देख, आज सोमवार है, दादी वहां पर शिव चालीसा सुनने गई होंगी। हाँ वहीं होंगी, तू जाकर देखना। काफी समय हो गया, न जाने दादी कहाँ चली गई है। मुकरी मुकरी सुनो, वो दुकान वाला है ना, वहां जाओ और जाके चेक करो, कहीं दादी उसको डांटने तो नहीं चली गई है वहां पे। अरे हाँ हाँ, हड़का देना, तुम जल्दी जाओ। कमाल है, हमारे और दादी के बीच सुलह भी हो गई, फिर वो दुकान वाले के पास क्यों चली गई उसे सुनाने के लिए? हाँ
अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, हमारी दादी चैन से बैठने वाली जीव है ही नहीं। उनको जब धुन सवार हो जाती है तो उनको कुछ नहीं सूझता, इसीलिए जाने से पहले बताना भूल गई होंगी। हमको तो यही लगता है, पर ना जाने कहां गई हैं, फिर भी बता के तो जाना चाहिए ना। चाचू ये क्या कर रहे हैं आप? अरे रुकिए, कमर में मोच आ जाएगी आपके चाचू, मैं आपकी मदद कर देता हूं। हम ले जाएंगे। अरे इतना भारी संदूक ये कहां ले जा रहे हो? अरे कोई बात ही नहीं, ऐसी हम ले जाएंगे अकेले, कोई बात नहीं। अच्छा चाचू आपसे एक सवाल करना था, क्या आपने रेवती दादी को कहीं देखा? क्योंकि आखिरी बार मैंने उन्हें आपके साथ ही देखा था कमरे में, याद है मैं जब अपना मोबाइल ढूंढने आया था। हाँ तो जब तुम फोन लेके गए तो तुम्हारे पीछे पीछे वो भी चली गई थी, अब मेरे साथ में थोड़ी अभी तक घूम रही होंगी। चाचू मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, बस सब काफी परेशान लगे पड़े हैं। लेकिन हुआ क्या है? मिल ही नहीं रही वो। बहुत देर से दादी को ढूंढ रहे हैं हम, पता नहीं कहाँ चली गई। हो सकता है वो कहीं गई हो, शायद जल्दी जल्दी में किसी को बताना भूल गई होंगी। हाँ तो बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अब देखो ना कितना टेंशन हो रहा है। वैसे संजय इस संदूक में है क्या? अम्मा हाँ चाचू बताइए ना क्या है इसमें, बहुत भारी लग रहा है, आप पता नहीं कैसे इसे धक्का देने। बेटा वो बाल कल्याण संस्था के यहाँ से फोन आया था कि बच्चों के लिए कुछ दे दें। बाल संस्था? तो मैंने वो तीनों बच्चों के खिलौने और कपड़े इसमें पैक करके डाल दिए हैं, तो आ रहे हैं वो लेने, उनको दे रहा हूँ बस। जी हाँ ठीक से देख के भरा है ना, उसमें एक जरूरी कागज की थप्पी पड़ी थी ऊपर, एक बार फिर से खोल हम देखते हैं। अम्मा हमको ऋत्विक समझे होगा, बच्चे थोड़ी ना आए, हमने अच्छे से चेक किया है, खिलौने ही रखे हैं इसमें। चाचा जी कहीं आप इसमें हमारी दादी को लेकर तो नहीं जा रहे? क्या कह रही है? बेटा मजाक जो है ना अपनी उम्र वालों के साथ अच्छा लगता है, समझे हो? साक्षी तुम दो वचन जीत गई हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बकवास करोगी, किसी के लिए कुछ भी कहोगी। अरे नहीं, दादी से हमारा मतलब है जो हमारे घर का पुराना सामान था, वो भी तो था वहां पर, तो कहीं गलती से इस संदूक में तो नहीं आ गया है? चेक कीजिए ना, वो सारा हमारे घर का सामान तो नहीं रह गया ना इसमें। अरे दादी को बहुत लगाव है अपने सामान से, अगर उनको सामान नहीं मिलेगा तो वो पगला जाएंगी, उसकी वजह से हम पगला जाएंगे और हमारी वजह से सब लोग पगला जाएंगे, इसलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। बेटा हमने अच्छे से चेक कर लिया, ना तो तुम्हारी दादी डाल ली है ना दादी का सामान, समझे हो? हाँ देख ले बेटा। अरे वो देखना चाहती है तो देखने दो ना। अरे भाभी आप समझ ही नहीं रही है, मतलब ठीक है। अरे कोई हमारा विश्वास क्यों नहीं कर रहा है, बोल दिए तो बोल दिए ना। अरे चेक कर लिया है ना हम अच्छे से,